मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 15वां अध्याय उसका 6ठा वचन हम पढ़ें। धर्मी के गर्भ में बहुत धन रहता है परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखा रहा है कैसे धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। एक धर्मी व्यक्ति कौन है जिसका परमेश्वर के साथ का संबंध सही है, और यह तभी संभव हो सकता है अगर वो परमेश्वर को दिल से प्यार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह व्यक्ति हर बात में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति का एक हृदय होता है कि वह सच्चे परमेश्वर को तलाशता है, परमेश्वर की धार्मिकता का भूखा रहता है, और परमेश्वर जो करुणा का सागर है अपने अनुग्रह की बहुतायत उस पर देता है और उसके जीवन में काम करता है ताकि वो परमेश्वर के उस मापदंड तक पहुंच सके। और ऐसे एक धर्मी जन का घर स्वर्ग के धन से भरा रहता है। यहां ध्यान दे, परमेश्वर का वचन अपने संतानों से कैसे बात करता है। यहां पर ऐसे नहीं लिखा कि राजा का घर या बुद्धिमान का घर धन से भरा रहेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सिखाती है कि संसार का जो धन जो हम अपने ज्ञान के द्वारा इकट्ठा करते हैं, अपनी खूबी के द्वारा इकट्ठा करते हैं, परमेश्वर की नजर में सिर्फ पानी का बुलबुला है। कुछ क्षण के लिए होता है और उसके बाद हमेशा के लिए चला गया, और उसके द्वारा मिलने वाली खुशी भी थोड़ी देर का है। सो आइए एक परमेश्वर के संतान के तौर पर हम अपने घरों को सही धन से भरे जो परमेश्वर की नजर में बेशकीमती है और जो अनंत काल का है। जरा इंसान के जीवन के यथार्थ को जरा देखें। बेशक हमने स्वर्ग किसी ने नहीं देखा तो भी हर कोई, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, गरीब हो अमीर हो, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है अपने संसार के जीवन के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी को अंदर ही अंदर मालूम है कि सबसे आशीषित जगह स्वर्ग है। क्या आपने इसके बारे कभी सोचा है कि स्वर्ग इतना आशीषित क्यों है? लोग क्यों स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सोने की सड़कें होने के कारण नहीं, वहां पर मुकुट मिलेगा उस बात के कारण नहीं। हम तो ये सब बात अपने छोटे दिमाग से सोचने के कारण है, लेकिन असली में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति स्वर्ग को इतना आशीषमय बनाती है। स्वर्ग की कीमत भी इसी के कारण इतना बहुमूल्य है। स्वर्ग के दूत भी वहीं रहना चाहते क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। अगर ये सच है तो ये बात हमें सबसे गंभीर बात सिखाती है कि बेशक हमारा छोटा सा घर हो, छोटा सा एक झुग्गी हो, या हमारे पास सारी सुविधाएं ना हो, एक ही कमरा हो, शायद किराए में हम रहते हैं, तो भी सबसे कीमती चीज परमेश्वर की उपस्थिति है। स्वर्ग उसको बाकी सब चीजों से ज्यादा अहमियत देता है। हमें मालूम है ना, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की नजर में कितना बहुमूल्य था। जीवते परमेश्वर का निवास स्थान था अपने लोगों के बीच में। उसमें बेशक सोना और चांदी था तो भी सबसे कीमती चीज जीवते परमेश्वर की उपस्थिति थी। पुराने नियम के संत लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि जीवता परमेश्वर उनके घरों में वास करेगा, लेकिन उन्हें तसली कब मिलती थी? जब वो परमेश्वर के मंदिर में आते थे। उसकी तुलना में हम कितने आशीषित हैं क्योंकि हम परमेश्वर के जीवते मंदिर बन गए। मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहरे। बेशक हमारा छोटा सा घर है तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रहता है यदि हम प्रभु का भय रखें और उसके वचन में चलते रहें। एक धर्मी के घर में परमेश्वर की आराधना का सुगंध आवाज उठता है। परमेश्वर की शांति और तसल्ली उस घर में है। उस घर का हर एक सदस्य तसल्ली पाता है और बलवंत होता है और जीवन की चुनौतियों को सामना करता है, और वो घर परमेश्वर के प्रेम से भरा है। हर कोई एक दूसरे को क्षमा करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है, और हर कोई उस सिद्धता तक बढ़ना भी चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में होने के कारण
हरेक के अंदर एक तमन्ना होती है, पवित्र जीवन बिताएं, पाप से दूर रहें। संसार का सबसे कीमती चीज पाप है। परमेश्वर का प्रेम ऐसे घर को जब नियंत्रित करता है तो हरेक एक दूसरे को हौसला देता है, सहायता का कारण बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा घर में संसार का सारा धन दौलत भरा होगा और वो दूसरों से बांटते रहेंगे। वो तो निर्भर करता है, कई लोगों के घरों में प्रभु धन देता है और कई लोग उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, लेकिन एक छोटी रोटी का टुकड़ा भी हो अगर वो प्यार से बांटा जाए दूसरों के लिए कितना तसल्ली होता है। सबसे बढ़कर एक धर्मी का घर वो स्वर्गीय आशीष से भरा है, वो आशा से भरा है, और वो आशा वो संसार में दुख कष्ट भरी हुई संसार में लोगों से जब बांटता है तो कितनी आशीषित दुनिया भी होती है और कोई भी ये आशीष को छीन नहीं सकता। मनुष्य का आखिरी दुश्मन मौत भी इस ईश्वरीय आशीष को छीन नहीं सकता। सो हम जो परमेश्वर के संतान है, आइए हम ध्यान दें कि हमारा छोटा घर परमेश्वर की पवित्रता को ज्यादा महत्व दे, परमेश्वर के सिद्धांत को ज्यादा महत्व दे। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने भवनों को उस दृढ़ चट्टान के उस बुनियाद पर बनाएं, उस विश्वास में हम बने और मसीह हमारे घर का स्वामी होने पाए और ईश्वरीय सिद्धांत हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रतिदिन राज्य करें और हमारा घर स्वर्ग की नजर में धन्य कहलाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। थोड़ी देर के लिए हम जब इस संसार में है प्रभु, हमारा छोटा सा घर प्रभु स्वर्गीय आशीष से भरा रहे। बेशक हमारे पास पक्का मकान ना हो, सारी सुविधाएं ना हो, लेकिन हमारे घर में आपका राज्य हो, आपके सिद्धांत लागू हो, आशा का कारण बने, जो भी आए आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सके, आपके स्वर्गीय आशीषों से मालामाल करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।